कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में पुल टूटने के कारण यातायात हुआ अवरुद्ध, लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में लगभग 15 वर्ष पूर्व यातायात सुगम करने की खातिर पुल का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन पुल टूटने की वजह से आज तक आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल टूटने की वजह से उन्हें आने जाने में कई किलोमीटर घूमकर जाने को विवश होना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय महिलाएं कहती हैं कि पुल के नीचे पानी इतना गहरा है कि जान जोखिम पर डालकर सामानों के साथ साथ उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि उन्होंने लिखित तौर पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पदाधिकारियों को भी लिखित और मौखिक तौर पर इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने अभी तक कोई सुधि नहीं ली है। पुल नहीं होने से विकास कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध है और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या तो बहुत खराब लग रहा है, देख रहे हैं आप सामने ही, देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति यहाँ का है। बाढ़ में तो खैर दिक्कत है ही है, पर सूखा समय में भी यहाँ मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत चल रहा है आदमी को। देखिए ब्रिज कब से ही मतलब ये खराब पड़ा हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं हो रहा है। कब टूटा है ये तो समझ लीजिए, जब से हमारा होश हुआ तो सबसे टूटे ही लग रहा है। अब तक ही नहीं बना है। कहाँ जाती है रोड? ये आपका ये कटर रोड उठता है डायरेक्ट सीधे मनिहारी, जो अहमदाबाद वाला रास्ता और जो मनिहारी वाला जो रास्ता है कटर रोड, इसी में उठता है ये बैरिया से आके ये कटर रोड में उठता है। टूटा पड़ा है और अभी तक चलिए रहे हैं इसे, कम से कम इस रोड को मिला दें कटर रोड और बैरिया पहाड़पुर बांध तो ठीक रहेंगे, पब्लिक के लिए अच्छा सेवा रहेंगे।